रणवीर, तो सबसे पहले ये बताइए, आज आप प्यार का दर्द के सेट पे एक सरप्राइज दिया है आपने, तो धमाकेदार एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि यू नो राजश्री ने मुझे शो पर इनवाइट किया. ये बहुत ही पॉपुलर शो है. नकुल एंड दिशा अमेजिंगली यू नो यंग टैलेंटेड पीपल, एंड टू इंटरेक्ट विद देम, अगर आप फिल्म भी देखोगे ये जवानी है दीवानी, इनके कैरेक्टर्स मेरे और नैना जो दीपिका प्ले अदा कर रही है उनके कैरेक्टर्स से मिलते जुलते हैं. एंड आई थिंक बहुत ही स्वीट स्क्रिप्ट था. इट वॉज अमेजिंग टू वर्क विद नकुल एंड दिशा, एंड आई एम रियली हैप्पी कि यू नो इन्होंने मुझे बुलाया और इस एपिसोड का आधार किया. ओके, आई थिंक दिशा सॉरी पंकुड़ी, इससे बेटर बर्थडे सरप्राइज और गिफ्ट हो नहीं सकता था. ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं हो सकता था. आई एम वेरी हैप्पी दैट रणबीर केम ऑन आवर सेट एंड ही शूटिंग विद अस. इट वाज रियली ग्रेट वर्किंग विद यू, सीरियसली. प्लेजर वाज ऑल माइन. अदिति, क्या ये आपका आइडिया था कि पंकुड़ी को उनके बर्थडे में इतना बड़ा सरप्राइज देना है? इनफैक्ट ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया बनी का ही था. And he said that you know we should have the birthday party done like this, so we said let's do it. बहुत पुराना दोस्त है और बहुत कंफ्यूज भी हो चुका था, तो मतलब इतनी तो मदद कर सकता हूँ. उसकी बीवी का पहला बर्थडे, सो पहली बीवी का पहला बर्थडे, पहली बीवी का पहला बर्थडे, पता नहीं कितने आने वाले हैं. अच्छा, क्योंकि बर्थडे या ऐसा कुछ मौका होता है तो डांस वांस होता है. फिलहाल आपके जो गाने हैं इतने स्टेप्स इतने फेमस हो चुके हैं, तो इन दोनों को कुछ सिखाया? बिल्कुल किया. जब आप शो देखोगे तो आप आदि का बिंदास माइंड ब्लोइंग नाच देखोगे. बदतमीज वाला डांस, बदतमीज डांस किया मेरे साथ. एंड जैसे मैंने कहा था, बहुत मज़ेदार शो है. इट्स लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ हार्ट इन इट. बहुत ही वार्म शो है, तो बहुत कुछ मस्ती की है. एंड आई होप कि द ऑडियंस लाइक्स इट. मेरा सवाल आप दोनों से है, आपके शो में बॉलीवुड का सबसे यंग स्टार्स आया, सुपर स्टार आया है, एंड यू थिंक कि आपकी शो को टीआरपी बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाएगी? बिकॉज़ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऑनेस्टली हमारी फिल्म को मदद नहीं. ऑनेस्टली वेट, आई वांट टू आंसर दिस. सो ऑनेस्टली टीआरपी डजंट मैटर, वी लव वर्किंग सो वेरी मच. बट आई थिंक रणबीर इज डेफिनेटली माय फेवरेट इंडियन एक्टर. सेम है दिशा का भी. एंड जस्ट शेयरिंग द सेम स्पेस इज अमेजिंग. एंड इट्स ग्रेट बिकॉज ऑल्सो क्या हो रहा है कि आई थिंक जो एक बहुत ही एक फिल्म है जो बहुत लोग देखना चाह रहे हैं, ये जवानी है दीवानी, वो और मैं तो कब से वेट भी कर रही. ये दो महीने से मुझे कह रही है अरे फिल्म आ रही देखनी है. सर हाँ, दो महीने के बाद ही देख पाएंगे. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग कि सच अ ह्यूज फिल्म एंड अ बिग शो आई मीन आर कमिंग टुगेदर. एंड आई थिंक एक टीवी और फिल्म का एक मिलाव भी है. एंड समवेयर टैलेंट्स फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स आर वर्किंग टुगेदर. इट्स ग्रेट. सो थैंक यू रणबीर फॉर कमिंग ऑन अ शो एंड जस्ट हैविंग फन विद अस. मुझे बहुत पसंद है. बदतमीज क्या है कि अभी इतना कुछ सुन लिया, अभी मैं पक चुका हूँ. जा भी जाता हूँ वही गाना बजते रहता है आजकल. और आई थिंक मेरा एक और फेवरेट गाना है वो इलाही. वो उसका प्रोमो अभी तक कटा नहीं है, लेकिन म्यूजिक एल्बम है, फिल्म में आप देखोगे, वो मेरा फेवरेट. एंड दिल्ली वाली भी अच्छा है, बट मेरा फेवरेट इलाही. आप प्लीज थोड़ा सा गाओगे हमारे लिए? बिल्कुल नहीं, आया शो ही बंद हो जाएगा. दिशा, एक दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का एक स्टेप तो आप सिखा देता हूँ. मेरे पास एक सेकेंड देखिए मैडम जी, मैंने किसी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा है. गाने क्या बोल है, आप ऐसा बोलती हो बाद में बिल मेरा पड़ता है. तो प्लीज ऐसी अफवाहें मत फैलाएं. मुझे पता नहीं अगर नकुल ने किसी दिल्ली वाली या बेंगलोर वाली या दिल्ली वाली तक तो अभी मौका मिला नहीं. मुंबई वाली. जबकि शो का नाम है प्यार का दर्द, तो आप बहुत दर्द मिला है आपको भी? मैंने एक्चुअली एक फिल्म की थी रॉकस्टार, उसमें वो फिल्म ही थी दर्द के बारे में, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक दिल नहीं टूटेगा, तो अंदर से झनकार नहीं आएगी. बट आई थिंक प्यार का दर्द बहुत मीठा होता है. दर्द तो बहुत होता है, बट आई थिंक दैट पेन इज प्राइसलेस. ओके, नाउ फॉर द फ्यूचर हम आपको कैसा फोटो देखेंगे?
I mean, come on a small screen, but any plans? I don't think early या late ऐसा कुछ है. जब मुझे एक अच्छा ऑफर आएगा, जब कुछ एक्साइट करेगा मुझे, then definitely I would love to be part of television. Television is one of the biggest platforms today, entertaining platforms, and you know, just to be a part of it would be lovely. But अभी तक मुझे कोई ऑफर आया नहीं है. अगर राजश्री वाले सुन रहे हैं तो प्लीज कॉल मी. सीक्वल टू प्यार का दर्द. दिशा हमेशा खूबसूरत रहती है. आज एक्चुअली उनका मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि उनका फोन घूम चुका है. बट आई थिंक नॉट ओनली ब्यूटी इज नॉट जस्ट यू नो हाउ अ पर्सन लुक्स, वो अच्छी तो दिखती है सब जानते हैं, बट आई थिंक शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, एंड आई थिंक वो ज़्यादातर वो काम में झलक आते हैं. मैं ये नकुल के बारे में भी कहना चाहूँगा, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर रियली गुड पीपल एंड दे आर वर्किंग विद गुड पीपल. तो वर्किंग विद गुड पीपल, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाट्स अप मतलब ऑफ स्क्रीन भी कैसा रहा, लास्ट ऑफ स्क्रीन का एक्सपीरियंस कैसा रहा साथ? आई थिंक इट्स रियली गुड. रणबीर और मेरे बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं एंड वी प्ले क्रिकेट वंस टुगेदर बचपन में, एंड आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ कोर्स आई हैव वॉच्ड ऑल हिज फिल्म्स. एंड रॉकस्टार और बर्फी मेरी फ्रेंड को बता रहा था कि आफ्टर वॉचिंग परफॉर्मेंसेज इन स्पेशली इन रॉकस्टार एंड बर्फी माय लाइफ चेंज्ड अ लिटिल बिट, बिकॉज आई वाज सो इंस्पायर्ड कि मैं अपने शो पे आऊँ और कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मैं खुश हूँ. यू नो, लोग तो खुश होते ही है वो अलग बात है, बट सो ही इज इंस्पायर्ड मी इन अ लॉट ऑफ वेज. सो थैंक यू रणबीर फॉर दोस. ओके, बट मी लास्ट सोया ना, मुझे ऐसी कोई फिल्म ऑफर हुई नहीं है. ये ज़्यादातर क्या है कि हम सब दोस्त हैं और लोग समझते कि अगर हम मिल रहे हैं तो एक फिल्म की बात चल रही है, बट ऐसी कोई फिल्म थी नहीं. मैं फिलहाल सिर्फ बेशरम के बाद बॉम्बे वेलवेट कर रहा हूँ और फिर इम्तियाज अली की अगली फिल्म कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. अरे चिकन बीच में जाना. आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स. अभी अच्छा से स्माइल कर. बोल क्या? आप इस स्माइल कर. पार्टी में सच में यार. कौन आया? जब दादा का फोन आया तभी मुझे. तो ये. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. बड़ी आज क्या शो है? सॉरी. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.